सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से हम आइबुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के ऊपर कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे उसके बारे में एक सिंपल स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए मैंने कोई भी ऑसिलेटर या इंडिकेटर का मदद नहीं लिया है। मैंने स्पेसिफिकली कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके इसी स्ट्रैटेजी को बनाया है। दोस्तों, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता नहीं है, मैंने इसी वीडियो पे भी आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। और देखिए दोस्तों, इसी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है और इसी फॉर्मूला की मदद पे ये स्ट्रैटेजी पे हम कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे उसके बारे में डिटेल्स पे जानेंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा, आपको इसी वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे कैसे हमको बाइंग करना है और कैसे हमको स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करना है ये सबके बारे में बताया है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो का कुछ पार्ट मिस कर लोगे, हो सकता है आप कोई इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर लिए। और दोस्तों, ये सेम रूल को मैंने आइबुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के ऊपर अप्लाई करके ये वीडियो को बना रहा हूँ। आप इसी रूल को अगर और कोई स्टॉक के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, आप एक बार पहले बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसी रूल को ये आइबुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के ऊपर बैक टेस्टिंग करके देखा है, ये बहुत अच्छा काम दे रहा है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से काम करना है, आप खुद एक बार बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी अच्छा लगेगा, आप फिर कुछ दिन लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करके देखिए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, तो उसके बाद आप आपकी रियल मनी इन्वेस्ट करके लाइव मार्केट में ट्रेड करके देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो के एंड पे मैंने आपको और एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, जिसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैंने खुद लाइव मार्केट में ट्रेड करके उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले इसी आइबुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के ऊपर हम इसी स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आइबुल हाउसिंग फाइनेंस का डेली चार्ट ओपन किया है। दोस्तों, ये मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। तो दोस्तों, इसी स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, मैंने इसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है, बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न ग्रीन और रेड कलर का होता है। तो दोस्तों, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है, मैंने जब आपको इस स्ट्रैटेजी का फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको दो चीज हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, मैंने पहले इसका लो और हाई के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, इसका लो नीचे की तरफ रहता है और जो हाई है ये टॉप की तरफ रहता है। रेड कैंडल पे भी इसका जो हाई है ये टॉप की तरफ रहता है और जो लो है ये जो टेल है ये टेल का नीचे की तरफ ही रहता है। लेकिन हमको एक चीज ध्यान देना है, ये ओपन और क्लोज कैसे आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है तो ग्रीन कैंडल का मतलब ये नीचे ओपन हुआ है और इसका क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुआ है। लेकिन अगर ये रेड कैंडल है तो रेड कैंडल का जो ओपनिंग है ये ऊपर की तरफ है और ये जो क्लोजिंग है ये नीचे की तरफ है। तो दोस्तों, ये दोनों चीज को आपको याद रखना है। अगर ग्रीन कैंडल होगा, इसका ओपनिंग नीचे की तरफ और क्लोजिंग ऊपर की तरफ होता है, मतलब ये बॉडी का। अगर ये रेड कैंडल होगा तो इसका ओपन हुआ है यहां से और जो क्लोजिंग है इसी लेवल पे। तो दोस्तों, ये सिंपल कैंडल को हम कैसे अप्लाई करके ट्रेड करेंगे, चलिए उसके बारे में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसी कैंडल को 5 भाग में डिवाइड किया है। तो दोस्तों, मैंने पहले आपको बता देता हूं मैंने कैसे डिवाइड किया है। देखिए, आपको ये पूरा कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल को मैंने 5 पीस पे डिवाइड किया है, मतलब ये जो हाई है ये हाई से लेकर ये लो को 5 पीस पे मैंने डिवाइड किया है। ऐसे मैंने 5 इक्वल पीस पे डिवाइड किया है। तो ये 5 पीस पे डिवाइड करने के बाद मैंने ये नेमिंग सारे दिया है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसका क्लोजिंग
ये ऊपर की तरफ होता है, मतलब ये जो 5 लेवल पे होता है। तो दोस्तों ये लेवल को हम वेरी बुलिश मानते हैं। दोस्तों बुलिश मतलब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है हम उसको बुलिश बोलते हैं, और जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है हम उसको बेयरिश बोलते हैं। तो ये वेरी बुलिश मतलब जो मेजर चांस बनेगा मार्केट ऊपर जाने का, उसका चांस सबसे ज्यादा है। अगर ये कैंडल का क्लोजिंग 4 लेवल पे है तो हम बुलिश मानते हैं, अगर कैंडल का क्लोजिंग 3 लेवल पे आएगा तो हम नाइदर बुलिश नॉर बेयरिश मानते हैं। मतलब जब 3 के आसपास क्लोजिंग हुआ होगा तो मार्केट किसी दिशा पे भी जा सकता है, मतलब ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ भी जा सकता है। और ये 2 लेवल को अगर आप देखोगे, अगर कैंडल 2 लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया है तो इसको हम बेयरिश मानते हैं, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। और जब कैंडल 1 लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया होगा तो उसी लेवल को हम वेरी बेयरिश मानेंगे। तो दोस्तों ये सेम रूल को हम कैसे अप्लाई करके चलेंगे, चलिए मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन करके आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने डेली कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन किया है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है आपको डेली कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैंने ये कैंडल के ऊपर इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो सोच लीजिए मैंने इसी दिन ये कैंडल के ऊपर अप्लाई करने की जा रहा हूँ, ये कैंडल के ऊपर। तो मैंने ये कैंडल को 5 पीस पे डिवाइड करने वाला हूँ। देखिए अगर आप 5 पीस पे डिवाइड करोगे, इसका जो हाई आ रहा है ए लेवल के आसपास, इसका लो है इसी लेवल पे। तो देखिए मैंने इसी कैंडल को 5 पीस पे अभी डिवाइड कर लिया, तो ये 5 पीस पे डिवाइड करने के बाद इसका क्लोजिंग किसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये जो लेवल है ये है फर्स्ट लेवल, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये लेबल है 4 और ये लेबल है 5। तो दोस्तों ये एक रेड कैंडल है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है ये नीचे की तरफ आता है। तो देखिए दोस्तों नीचे की तरफ मतलब तो इसका जो क्लोजिंग है ये 2 लेबल के आसपास आया है। अगर आप ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो देखिए इसका क्लोजिंग 2 लेबल पे आया है। तो अगर 2 लेवल के आसपास इसका क्लोजिंग आता है तो 2 लेवल के हिसाब से इसको हम बेयरिश मानते हैं। तो अगर बेयरिश मानेंगे मतलब मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ जाने की चांस ज्यादा है। तो हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर इसको देख रहे हैं, तो हमको ये कैंडल को देख के पता चल गया कि कल जब ये स्टॉक ओपन होगा इसका मेजर चांस है कि कल ये स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है। इसलिए दोस्तों हम इसी स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए कॉल को रेडी रहेंगे। तो दोस्तों ये पैटर्न को देख कर हमको पता चल गया हमको शॉर्ट सेलिंग करना है या बाइंग करना है। देखिए दोस्तों दो चीज हमेशा याद रखिए, अगर कैंडल का क्लोजिंग ये 4 या 5 लेवल के आसपास होता है तो हमको उसी दिन बाइंग करने के लिए जाना है। अगर ये क्लोजिंग 1 या 2 लेवल के आसपास आता है तो हमको उसी दिन शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जाना है। तो दोस्तों अभी हमको कैसे बाइंग करना है और कैसे सेलिंग करना है उसके बारे में हमको पता चल गया। आप ग्रीन कैंडल के ऊपर भी ये सेम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के भेज सकते हैं, मैंने आपको रिप्लाई कर दूंगा। और देखिए दोस्तों अभी हमको पता चल गया कि किसी दिन हमको बाइंग करना है और किसी दिन सेलिंग करना है, ठीक है। तो मैंने ये सेम स्ट्रेटेजी को लास्ट ट्रेडिंग डे पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल को अगर 5 पीस पे हम डिवाइड करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो क्लोजिंग आ रहा था ये इसी लेवल के आसपास, मतलब ये 1 लेवल के आसपास आ रहा था, इसीलिए 1 लेवल मतलब ये वेरी बेयरिश रेंज पे आ रहा है। तो दोस्तों इसी लेवल पे हमको शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जाना था, तो ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे हम शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है फिर भी हमारा जो टारगेट रहेगा ये शॉर्ट सेलिंग का रहेगा, क्योंकि हम एक दिन पहले का कैंडल देख के हम ये पता लगा रहे हैं कि हमको अगले दिन क्या करना है। तो दोस्तों अभी हमको बाइंग करना है या सेलिंग करना है वो हमको पता चल गया। तो चलिए दोस्तों अभी हम ये जानेंगे कि अगर हम बाइंग करने के लिए जाएंगे या सेलिंग करने के लिए जाएंगे हमको कितना स्टॉप लॉस और कितना टारगेट लेके चलना है। तो दोस्तों जानने के लिए मैंने ATR का वैल्यू को ऐड कर रहा हूं।
तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने एवरेज ट्रू रेंज को ऐड किया है। तो ये एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से देखिए एटीआर का जो वैल्यू दिखा रहा है ये 39 के आसपास दिखा रहा है। अगर हमको इसी दिन ट्रेड करना है हमको बेसिकली 25% के आसपास या 30% के आसपास ये जो एटीआर वैल्यू है उसका स्टॉप लॉस और टारगेट लेके ट्रेड करना है। अगर आप 39 के आसपास लेते हो तो 39 का अगर आप 25% देखोगे देखिए दोस्तों ये 9.75 के आसपास आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम ये देखेंगे कि अगर हम 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट लेके ट्रेड करते हैं तो हमको कैसे रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों मैंने ये एटीआर वैल्यू को अभी हटा देता हूं और देखिए मैंने ये सारे पॉइंट को हटा दे रहा हूं। दोस्तों ये मैंने जो भी एनालिसिस आपको करके बताया ये मैंने डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया है, लेकिन हमको इंट्राडे के लिए बेसिकली 10 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन कर रहा हूँ। देखिए 10 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो दोस्तों अभी हम ये जान गए कि हमको सेलिंग करना है या बाइंग करना है। अगर हम सेल करने के लिए जाएंगे या बाय करने के लिए जाएंगे हमको कितना स्टॉप लॉस और कितना टारगेट रखना है। तो अभी हम किसी लेवल के आसपास एंट्री करेंगे सिर्फ उसके बारे में हमको जानना है। तो दोस्तों अगर हमको इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से एंट्री करना है तो हमको फास्ट 3 कैंडल कंप्लीट होने तक वेट करना है। तो दोस्तों ये 3 कैंडल कंप्लीट होने के बाद हमको एक चीज देखना है। देखिए हमारे रूल के हिसाब से हम ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे सेलिंग करने के लिए जाएंगे। तो जब ये 3 कैंडल कंप्लीट हुआ हमको ये चार्ट ऐसे दिखेगा। तो हमको पता नहीं है कि इसी लेवल से ये स्टॉक नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन हमारी रूल के हिसाब से हमको इसी दिन शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जाना है। अगर हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे हमको एक चीज ध्यान पे रखना है। देखिए दोस्तों अगर हमको शॉर्ट सेलिंग करना है ये जो थर्ड कैंडल का क्लोजिंग है मतलब इसका जो क्लोजिंग आ रहा है ये 185 लेवल के आसपास, तो इसका क्लोजिंग इसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए। अगर हम बाय करने के लिए जाएंगे तो जो थर्ड कैंडल का क्लोजिंग रहेगा वो थर्ड कैंडल का क्लोजिंग ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग से ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जाते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका क्लोजिंग ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग से नीचे है। तो दोस्तों हम इसी लेवल के आसपास शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जाएंगे और हमको ऑलरेडी पता है हम 9 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस और 9 पॉइंट के आसपास टारगेट मान के चलेंगे। तो देखिए दोस्तों इसी लेवल पे तो 185 पे अगर आपका एंट्री आ रहा है अगर आप 9 पॉइंट का टारगेट और अगर आप 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलोगे देखिए दोस्तों आपका जो टारगेट आएगा 176 पे और आपका स्टॉप लॉस 179 पे। तो देखिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस किसी लेवल के आसपास आ रहा है पे आपका स्टॉप लॉस आएगा। तो जो स्टॉप लॉस आएगा ये लेवल के आसपास और आपका जो टारगेट आएगा 176 तो ये लेवल के आसपास। तो देखिए दोस्तों ये स्टॉक ये टारगेट के आसपास आ गया था लेकिन इसी लेवल से ये वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक टारगेट के आसपास आने के बाद अगर आप चाहो इसी लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो जब ये वापस ऊपर की तरफ जाने लगेगा और आप जिस लेवल के आसपास एंट्री किए हो अगर वो एंट्री के आसपास आ जाएगा तो फिर आप इसी लेवल के आसपास आपकी छोटा सा लॉस बुक कर लोगे, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम टारगेट अचीव कर लेता है। तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताया कि हमको कैसे शॉर्ट सेलिंग करना है। दोस्तों आप ऐसे सेम बाइंग कर सकते हो अगर थर्ड कैंडल का क्लोजिंग लास्ट ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग से ऊपर रहता है तो हमको बाइंग करना है और हमारी टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। तो दोस्तों ये था आइबुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर एक सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर आप किसी स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ प्रॉपरली फॉलो करोगे तो दोस्तों आपको मैक्सिमम टाइम सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने वीडियो का एंड पे मैंने जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं उसी स्ट्रैटेजी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों मैंने निफ्टी फ्यूचर के ऊपर एक हेजिंग का स्ट्रैटेजी बनाया है और ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है, इसीलिए दोस्तों मैंने खुद लाइव मार्केट में ट्रेड करके 4-5 महीना से उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो चलिए दोस्तों एक बार उसका रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, बेसिकली इसी स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए 1 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे ये मई मंथ पे 18,000 से भी ज़्यादा रिटर्न दिया था, मतलब ये 18% का रिटर्न था, और जून मंथ पे ये 17.80, मतलब लगभग ये 18% के आसपास रिटर्न दिया था, और जुलाई पे मार्केट साइडवाइज था, फिर भी देखिए यहाँ पे 13% का रिटर्न दिया था, और अगस्त मंथ पे स्ट्रैटेजी 16.30 का रिटर्न दिया था, और सितंबर मंथ पे 14.57 के आसपास ही रिटर्न दिया। और दोस्तों अभी अक्टूबर मंथ कंटिन्यू चल रहा है, और देखिए अक्टूबर मंथ पे अगर आप ये सारे ट्रेड को देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे हमको लॉस दिखा रहा है, लेकिन जब ये मंथ क्लोज होगा देखिए हम नेट नेट 10-15% के आसपास प्रॉफिट पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी एक सेफ स्ट्रैटेजी है, और मैंने खुद इस पे लाइव मार्केट में ट्रेड करके इसका रिजल्ट को आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स पे जानना है तो देखिए मैंने यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप का नंबर मेंशन किया है, और देखिए ये चैनल आर्ट पे भी मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर मेंशन किया है, तो आप व्हाट्सअप के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इसी वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर किसी को इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो उन लोगों को भी थोड़ा मदद मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।